हम हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। बदलाव के साथ साथ पठन पाठन व्यवस्था में आई तब्दीली को भी विश्वविद्यालय ने अपनाया है। जितना प्रभावशाली बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का स्तर रहा है, इतना ही भव्य है यहाँ का कैंपस। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक ऐसा क्षेत्र जो बुंदेली भाषा के साथ साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से पहचाना जाता है। बुंदेलखंड की माटी में जन्मे अनेक वीरों ने न केवल अपना बल्कि इस अंचल का नाम खूब रोशन किया और इतिहास में अमर हो गए। झांसी अपने साहित्य, कला, संस्कृति के लिए अपना एक मुकाम रखता है और जब बात हो यहाँ शिक्षा की तो भला झांसी कैसे पीछे रह सकता है। पूरे देश में शिक्षा की मशाल जलाए हुए हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बुंदेलखंड परिक्षेत्र में शिक्षा का अग्रणी केंद्र है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की कर्म भूमि पर स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जहां अपनी सुंदरता और भौगोलिक दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरी ओर मैं कुलपति के रूप में यहां आने वाले सभी छात्र छात्राओं के समग्र विकास हेतु उच्च श्रेणी की शिक्षा के साथ ही रोजगार, उद्यमिता एवं कौशल विकास के अवसर भी दिलाने का आश्वासन देता हूँ। और यह विश्वविद्यालय का प्रयास है कि हम सभी छात्र छात्राओं को 21वीं शताब्दी के अनुरूप उनको समग्र विकास करते हुए एक विकसित और नए भारत के लिए हम विश्वविद्यालय के रूप में योगदान दे सकें। विश्वविद्यालय परिवार में आप सभी का स्वागत के लिए हम सभी तैयार। यहाँ कला, विज्ञान, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल और कृषि के साथ साथ 12 शिक्षा संकायों में शिक्षा प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय 3 बार नैक मूल्यांकन करा चुका है एवं विश्वविद्यालय अपनी सभी शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ, अन्य कर्मचारियों के साथ नैक की 4थी साइकिल के लिए प्रयासरत है एवं वचनबद्ध है कि इस बार हम नैक में A++ ग्रेड प्राप्त करेंगे। विश्वविद्यालय के पास स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबोरेटरीज हैं, रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट्स हैं। वर्तमान में लगभग 27 इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग हैं जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षा एवं उपाधियां प्रदान कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मंशाओं के अनुरूप लागू की जा चुकी है। विश्वविद्यालय ने सभी प्रकार के स्टूडेंट्स से रिलेटेड डेटा को, मार्कशीट्स को, सर्टिफिकेट्स को पूर्ण रूप से ऑनलाइन पोर्टल्स पर उपलब्ध करा दिया गया है। खेल के लिए विशाल मैदान, इंडोर स्टेडियम और परिसर में एक जिम की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। यहाँ सेमिनार नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं जहाँ ट्विन सेमिनार हॉल के साथ विशाल गांधी ऑडिटोरियम ऑडियो विजुअल के साथ उत्कृष्ट रूप से समर्थित है। बदलते डिजिटल दौर को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय का मस्तिष्क कहा जाने वाला कंप्यूटर सेंटर 1 GBPS NKN लिंक और 45 MBPS बैकअप लिंक वाली इंटरनेट सुविधा के साथ 500 से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम से लेस विभागीय कंप्यूटर लैब्स हैं। इसके साथ ही मल्टीमीडिया लैब हैं जिसमें PCR स्टूडियो भी मौजूद है, जिसमें स्टूडेंट्स एंकरिंग, न्यूज़ रिपोर्टिंग एवं वीडियो एडिटिंग सीखते हैं। NCC की बात करें
तो वहीं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में नेशनल कैडेट कोर की सन 2003 से 2004 में बॉयज आर्मी विंग सीनियर एवं सन 2017 से 18 में महिला एनसीसी विंग की स्थापना हुई थी, जिसमें 50 कैडेट की सुपीरियर भर्ती हुई थी। वर्तमान में 130 बॉयज कैडेट और 100 से ज्यादा गर्ल्स कैडेट कैंपस में हैं। एनसीसी में हर वर्ष छात्रों को अनेक प्रकार के कैंप कराए जाते हैं। नेशनल कैंप, आरडीसी कैंप, थल सैनिक कैंप आदि इसमें आम छात्र छात्राओं से फौजी के रूप में बदल जाते हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि ये विचारों को पनपने और ख्वाबों को देखने की दुनिया है। शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छात्रों को बराबर के अवसर उपलब्ध कराता है और समय समय पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे विश्वविद्यालय गति में नई ऊर्जा भर देते हैं। और यही मौका होता है जब छात्रों को संजो कर रखने वाली यादों को संभाल कर रखने का मौका मिलता है। We have two courses. One is architecture, it is Bachelor of Architecture, and it was started in 2003. The interior design course, it is BDes, Bachelor of Design. It was started last year only. And in BDes course, we have the facility of multiple exits and multiple entries also. One new thing has happened is the student has to clear NATA, National Aptitude Test for Architecture. That is compulsory for taking admission in architecture. This message is to be actually the common mass doesn't know about it, and this message has to be spread to more and more people. 2 years course, then that student will get diploma in interior design, and even we can take admissions as per, we'll go for subject mapping. If some student has done a degree in suppose civil engineering, mechanical engineering or fine arts, any course related to interior designing, then that student can get admission directly in third year or maybe final year also. We'll check how many subjects are remaining in architecture. This message is to be actually the common mass doesn't know about it, and this message has to be spread to more and more people. And for interior designing, no entrance test is required. We conduct our own entrance test in Bundelkhand University, and they can get directly admitted. Only 12th pass is required. 45% marks in 12th is required from any stream. Dr. APJ Abdul Kalam Institute of Forensic Science and Criminology. साल 2001 में इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रमेश चंद्रा वाइस चांसलर थे, उनके अंदर यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में खोला गया था। लेकिन आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ पर 500 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, और हमारे यहाँ हम लोग तीन कोर्सेज को चलाते हैं, BSc ऑनर्स इन फॉरेंसिक साइंस, MSc इन फॉरेंसिक साइंस एंड PG डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस। तो जो BSc ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस का जो हमारा कोर्स है, इसमें जो बच्चे जिन्होंने इंटर में साइंस सब्जेक्ट लिया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए BSc फॉरेंसिक साइंस के बच्चे तो एलिजिबल हैं ही। इसके साथ साथ जो हमारे बेसिक साइंस के, जिन्होंने BSc बेसिक साइंस में किया है या फिर लाइफ साइंसेज में किया है, वो बच्चे भी इस कोर्स के लिए अपना को अच्छा लगता है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विश्वविद्यालय एक देश के सेंटर में स्थित है, तो उस दौरान ये एक हाईली प्रोफेशनल कोर्स है जो इस विश्वविद्यालय में खोला गया था, ताकि इस एरिया के बच्चे और इसके आसपास के एरिया के बच्चे, उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, वो फॉरेंसिक साइंस जैसा सब्जेक्ट को पढ़ पाए। क्योंकि उन दिनों फॉरेंसिक साइंस देश के सिर्फ दो ही विश्वविद्यालयों में चलता था, एक सागर यूनिवर्सिटी में और एक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। तो इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ पर PhD भी
चलता है, तो वो जो यूनिवर्सिटी का हमारा एक रेगुलर सिस्टम है पीएचडी का, तो उसी में एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हमारे फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हैं और पीएचडी में भी एडमिशन लेते हैं। और इसके अलावा मैं ये बताऊंगी आपको कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हर साल लगभग वो साइंटिफिक ऑफिसर से स्टार्ट करते हैं, एसओ की जो पोस्ट होती है लैब्स में, और लैब्स में भी हमारे स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, मोबाइल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में उनको प्लेसमेंट मिलता है। और उसके बाद जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं, सीबीआई की फॉरेंसिक लैब्स हैं, बीपीआरएनडी के फॉरेंसिक लैब्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं जितने भी फॉरेंसिक लैब सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनमें भी हमारे स्टूडेंट बहुत हायर पोजीशंस पर प्लेस्ड हैं और वो यूपीएससी के एग्जाम्स के थ्रू वहाँ पर जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, तो आई एम अ वेरी प्राउड टीचर कि मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स और बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है। तेजी से अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उच्च शिक्षा, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए इच्छुक युवाओं को नवीनतम आधुनिक नवाचारों के साथ कई सुविधाएं उपलब्ध कराता है। परिसर के अंदर सभी विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ ये छात्रों को बेहतर उपयोग के लिए अपनी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए अधिक अवसर और तरीके प्रदान करता है। बदलाव के साथ साथ पठन पाठन व्यवस्था में आई तब्दीली को भी विश्वविद्यालय ने अपनाया है। इन सभी को मिलाकर लगभग 8000 से ज्यादा विद्यार्थियों की स्वर्णिम नींव विश्वविद्यालय में रखी जा रही है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में जो हमारा यहाँ पे कोर्स चल रहा है फिजियोथेरेपी का, ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और बुंदेलखंड क्षेत्र में एकमात्र जो कोर्स है यहाँ पे विभाग चला रहा है। इसमें जो बच्चों को हम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री देते हैं, 4.5 साल का ये कोर्स है, 4.5 ईयर 6 मंथ की इंटर्नशिप जो है उसमें रहती है। तो पेशेंट भी आ रहे हैं और रेगुलर 15 से 20 पेशेंट जो है हमारे यहाँ आते हैं और डेली जो है उसका उपचार यहाँ पे होता है। मेडिकल कोर्स है, पैरामेडिकल उसमें आता है। यहाँ पे ओपीडी भी हम चलाते हैं जिससे यहाँ पे आसपास के क्षेत्र जो हैं उससे जो आते हैं छात्र या पेशेंट जो भी हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो भी जिनको भी प्रॉब्लम होती है, कम बैक एक सर्वाइकल पैरालिसिस वाले जो भी इत्यादि जो बीमारियाँ हैं उनका यहाँ पे एक निःशुल्क मतलब एक तौर पर
नॉर्मल चार्ज के 10-20 रुपये चार्ज के हिसाब से ट्रीटमेंट भी करते हैं और इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा भी है। विश्वविद्यालय परिसर में एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जो देश की प्रमुख प्रतिष्ठित लाइब्रेरियों में से एक है, जहां बदलते डिजिटल दौर को ध्यान में रखकर इस लाइब्रेरी को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट से जोड़कर कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है और राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्र के युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि ये विचारों को पनपने और ख्वाबों को देखने की दुनिया है। आधुनिक परख शिक्षा के साथ साथ कला, विज्ञान, वाणिज्य शिक्षा, ललित कला, विधि और इंजीनियरिंग जैसे 104 विभिन्न प्रोफेशनल, टेक्निकल एवं वोकेशनल कार्यक्रम प्रदान करता है।
विश्वविद्यालय में संबद्ध कॉलेजों के साथ 40 उच्च शिक्षा संस्थान शामिल हैं, जो छात्रों को स्नातक परास्नातक डिग्री के साथ साथ पीएचडी और डिप्लोमा प्रदान करता है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। आवासीय विश्वविद्यालय होने के कारण यहाँ छात्रों के लिए शुभ अवस्थित छात्रावास उपलब्ध है। इस बदलते दौर में भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सतत आगे बढ़ रहा है। इसमें रोज नए अध्याय जुड़ रहे हैं, नई मिसालें कायम की जा रही हैं, जिनमें महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षकों और छात्र छात्राओं के लगन और परिश्रम से। हम हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय।